हेलो जय श्री राम। हेलो हेलो भाव जय श्री राम। जय श्री राम जी। सांसद महोदय बोल रहे हैं जी? भैया मैं बालाघाट से बोल रहा था जी। कौन? नाम तो बता भैया, बालाघाट के सब बता। बालाघाट से रितेश सोनी बोल रहा हूँ सर, पत्रकार खबर अभी तक से। अच्छा जी, ऐसा बोल रहा, परिचय दीजिए ना जी। जी सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो सिवनी है, हाँ सिवनी में सर, ये बबरिया रोड 1270, हाँ यहाँ पे सर आपका कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है? हॉस्पिटल बन रहा है। काय का हॉस्पिटल बन रहा है सर? आदमियों का? नहीं नहीं, मतलब सरकारी बन रहा है या प्राइवेट बन रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो सर ये आपका ही हॉस्पिटल है? बेटे का। अच्छा, आपके बेटे का हॉस्पिटल है। जी जी। एक्चुअल में सर परेशानी ये थी, यहाँ की जनता सवाल पूछ रही थी कि पूरे कोरोना काल से लॉकडाउन में आपने बालाघाट के किसी हॉस्पिटल का, जिला चिकित्सालय का या सिविल हॉस्पिटल का या कोविड केयर सेंटर का आपने कोई निरीक्षण नहीं किया, ना ही बालाघाट की जनता से आप मिले इस विकट स्थिति में। सही बात है। और आपके द्वारा, मतलब आपके जो संबंधित लोग हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि भाव का जो पूरा स्टाफ है वो कोरोना से ग्रसित है अभी। सही बात है। इसी कारण जो है सांसद महोदय भी क्वारंटाइन होके जो है वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं लग रहा, मैं ठीक हूँ जी। सारे लोग गड़बड़ थे जी, वो सब सबका ट्रीटमेंट हुआ है और अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। अब रहा सवाल जो पीछे पूछना चाहते हो बता दे रहा हूँ आपको, कलेक्टर को बता करके कि भाई ये सब प्रॉब्लम आया क्योंकि नीचे हो रहा है, तो वो जो ठेकेदार है वो साइड में भी जो बिल्डिंग बना रहा है उसी में सारे उसके लेबर है, बाहर के लेबर है, वो यही रह रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। क्या? और वो ठेकेदार जो है वो जबलपुर का, यही रह के उनसे काम करा रहा है जी। तो चूंकि क्या है, बारिश का, यदि बारिश रोज हो रही है जी, नीचे यदि पेडेस्टल खड़े नहीं हो पाएंगे जी जी, तो फिर अगले साल पे चला जाएगा ना ये। तो महोदय जी, सवाल ये था मेरा, हाँ, कि बालाघाट जिले की जनता के लिए आपके पास में समय नहीं है इस विकट परिस्थिति में, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि मैं समय नहीं मेरे पास, बाकी समय पर क्या, बाकी टाइम कभी भी आया क्या, नहीं किया क्या? बाकी टाइम में आए, लेकिन ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी ये बहुत भयावह थी, जनता को आपकी जरूरत थी, आप उनका सहयोग करते हैं, मशीनें दिलाते, सिलेंडर दिलाते, हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं हुई है। समाज सेवी जो थे हमारे वो भी सामने आए, कार्यक्रम से लगा रहा, लेकिन आप काम गायब हो गए थे महोदय जी। आप मैं अदृश्य हो गया था, ठीक है? आपकी इन बातों का फिर कोई जवाब, जब मेरा स्टाफ, मेरे सारे लोग, मेरा ड्राइवर, मेरा गनमैन, मेरा पीए, सारे लोगों को कोरोना होगा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो महोदय जी, जो निर्माण कार्य चल, एक बात बताओ,